थोड़े सा फॉर्मेट में चेंज बताया था कि एक वीक हम इमिग्रेशन के ऊपर शो करेंगे और एक वीक हम शो करेंगे जिसमें अगर आपका कोई बिजनेस डिस्प्यूट है, कोई मनी क्लेम का इशू है, तो आप इस शो के अंदर कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जिससे आपके मसले का कोई हल निकल सके। अब इससे पहले मैं कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू करूं, मैं दो तीन बातें क्लियर करना चाहता हूं कि देखें, जो ये फॉर्मेट है शो का जिस हम इमिग्रेशन का करते हैं, इसमें एडवाइस देने का मकसद नहीं है। इसमें सिर्फ हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो शायद आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हो। अगर आपको एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ आप किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाके अपने पेपर्स को पढ़वाएँ, प्रॉपर उनकी इंस्पेक्शन करवाएँ और फिर एडवाइस लें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि शो के दौरान हर ब्रेक से पहले आपके पास एक ईमेल आएगा स्क्रीन पर, अगर आप पेन एंड पेपर रेडी रख लें। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझसे कांटेक्ट करें और क्योंकि मैंने शो के दौरान आपकी कॉल नहीं ली, तो उस ईमेल एड्रेस के ऊपर अगर आप अपना नाम एंड टेलीफोन नंबर मुझे ईमेल कर देंगे तो मैं लाजमी आपको रिस्पॉन्ड करूंगा अकॉर्डिंगली। एंड अगेन, ये हर ब्रेक से पहले ईमेल एड्रेस आता है स्क्रीन के ऊपर। अब इससे पहले कि मैं कॉल्स लेने का सिलसिला शुरू करूं, मैं एक छोटी सी एक मेरे ख्याल से एक जनरल कॉन्वर्सेशन आपसे करना चाहता हूं कि लोगों को मनी एंड बिजनेस के अंदर मसले क्यों होते हैं। अगर मैं उसको समराइज़ करूं तो वो दो, आप समझ लें, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं दो सेक्शंस में। पहला सेक्शन होता है कि बंदे को पता है कि जी वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कर देता है, लेकिन उसको पढ़ता नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज़ नंबर वन जिन लोगों का, आप समझ लें, जिनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी कि उनको पता है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर गए हैं, दूसरा शख्स उनको चाहे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, कंज्यूमर कॉन्ट्रैक्ट है, वो एक अलग बात है, लेकिन उनको पता है डे वन से कि जी मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है मुझसे, मेरे साथ, लेकिन वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते नहीं और सीधा साइन कर देते। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें ताकि आपको पता हो कि आपके राइट्स क्या हैं, स्पेशली आपके कैंसिलेशन राइट्स क्या हैं, और अगर कोई इशू हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो, तो उस वक्त आपके राइट्स क्या हैं कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए। फिर लोगों को ये कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि जी मैं तो कॉन्ट्रैक्ट किया था, मुझे वर्बली बोला गया था साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन अब मैं जब पेपर पढ़ रहा हूं, तो उसमें स्मॉल प्रिंट पर लिखा है कि मैं तो दो साल से पहले उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं निकल सकता, और अगर मैं निकलूंगा तो मुझे चार्जेस पड़ेंगे। तो कहने का मतलब, जिसको हम कहते हैं कभी कभी पेनल्टीज़। तो अगेन, ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती हैं, बिकॉज लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, प्लीज़ उसको पढ़ें, और ख़ास तौर पे उस कॉन्ट्रैक्ट में ये पढ़ें कि उससे बाहर निकल, अगर आप पहले निकलना चाहेंगे तो आपको पेनल्टीज़ क्या हैं। जो मेन मेन बातें आपने डिस्कस की थी जिसके साथ भी आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगे थे, वो सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट में हैं या नहीं। बिकॉज अक्सर लोग मुझे मुड़ के कहते हैं, जी हम कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, वो जी 30 सफ़ों का उसमें सब सेक्शन होते हैं, हमें क्या पता जी हमने क्या पढ़ना है। लेकिन कम से कम जो चीज़ें आपको समझ आती हैं, जो आपके मतलब की चीज़ें, वो तो आप बंदे से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मुझे बता दें कौन से पैरा में ये लिखा है जो अभी हमने डिस्कस किया था, कि अगर मैं पहले छोड़ना चाहूँ मैं छोड़ सकता हूँ, कौन से पैरा में ये लिखा है कि जी अगर कोई मुझे प्रॉब्लम है किसी भी तरह की, मैं आपसे थोड़ा टाइम मांग सकता हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो आपके दिमाग में आती हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पूछ रहे होते हैं, और वो बंदा कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हम ये सारी सर्विस प्रोवाइड करके देते हैं, चाहे किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, आप प्लीज़ साइन करने से पहले उनसे ये पूछ लें कि ये सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। फिर सेकंड प्रॉब्लम उन लोगों के साथ होती है जो कि नॉन रिटन कमिटमेंट करते हैं, अग्रीमेंट करते हैं, यानी कि एक तरह से वर्बल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कल जाके फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई मनी का प्रॉब्लम हो, कोई बिजनेस में डिस्प्यूट हो, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जी हु सेड हु, कि जी आपने तो मुझे पहले ये कहा था, आपने ये कहा था, फिर आपको ढूंढने पड़ते हैं विटनेसेस, और फिर वो विटनेसेस फॉरवर्ड आते हैं कि जी उस वक्त जब बात हुई थी इस कंटेक्स्ट के अंदर हुई थी और ये बात हुई थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मुझे अक्सर लोगों का होता है कि स्पेशली जो बिज़नेस इकट्ठा करना शुरू करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं साइन करते, या कभी आप लीज़ लेने की कोशिश करते हैं किसी दुकान के ऊपर, तो आप एक तरह से बड़ा इनफॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं जो कि बाद में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सारों के लिए। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉन वर्बल कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए, और बेहतर है कि उसको इन राइटिंग में कर लिया जाए। अब अक्सर लोग मुड़ के कहते हैं कि जी हम तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास इसलिए नहीं जाते कि कॉस्ट बड़ी हो जाती है ये सारा लिखवाने में। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप, ये मैं एक्सपीरियंस से भी नहीं बात कर रहा, ये जो मैं लोगों से सुनता हूँ, अगर आप शुरू का थोड़ा खर्चा अपना कर लें, अगेन डिफरेंट लोगों के पास जाएं, देखें क्या कॉस्ट आपको पड़ती है, लेकिन अगर आप ये शुरू का खर्चा उठा लें तो आप देखिएगा कि बाद में जाकर आपको कितनी कम प्रॉब्लम होती है। अब मैं थोड़ा सा कोर्ट प्रोसीजर और प्री लीगल एक्शन लेटर क्या होता है इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ बीच में, अगर मुझे मौका मिले। कॉलर हैं, हम उनकी भी कॉल लेते हैं अभी। हेलो,
वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। प्रोग्राम इमिग्रेशन के बारे में है। बिल्कुल, आज इमिग्रेशन एंड बिजनेस एंड मनी डिस्प्यूट्स के ऊपर है, लेकिन हुआ ये कि मेरे ख्याल से उन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया, लेकिन आप कोई भी सवाल कर लें, नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, इस मुल्क में हूँ जी, सेटलमेंट पे हूँ, लेकिन मैंने सम रीजन पे नेशनलिटी नहीं ली अभी तक। तो सब कुछ रेगुलर सब एवरीथिंग इज ड्यू, लेकिन मैं वैसे नहीं लिया, कोई सम रीजन नहीं थी, जैसे अभी मैं लेना चाहता हूँ, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सारा कुछ है, एवरीथिंग सेटल है, लेकिन क्या मुझे अभी टेस्ट पास करना पड़ेगा या मैं इंटाइटल्ड हूँ आफ्टर 10 ईयर, जैसे मुझे वो दे सकते हैं, मुझे इसका अभी इलाज नहीं है, क्या कैसे करना है? ओके, और आपको सेटलमेंट कितना सा पहले मिली थी? मुझे 2004 में आया था, 2006 में मुझे मिल गई थी इंडेफिनेट। ओके, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। देखें, बेहतर ये मुझे चेक करना पड़ेगा कि 2006 के अंदर, अभी मुझे ऑन टॉप ऑफ द हेड याद नहीं कि लाइफ इन द यूके एप्लीकेबल था भी या नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने लाइफ इन द यूके और लाइफ इन इंग्लिश नॉलेज मैंडेटरी कर दिया। मुझे एकदम ऑन टॉप ऑफ माई हेड याद नहीं कि उस ज़माने में 2000 जब आपने लिया था 6 में मैंडेटरी था भी या नहीं, या 4 में। तो बेहतर ये है कि अगर आप बाद में रब्ता कर लें, ईमेल आती है तो मैं वो चेक करके आपको बताऊंगा, बट इन जनरल वर्ड्स, अगर उस वक्त एप्लीकेबल नहीं था, अब है, तो फिर आपको लाइफ इन द यूके एंड इंग्लिश टेस्ट लाजमी देना पड़ेगा। लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे इस चीज़ का पता नहीं कि पुरानों के ऊपर ही अप्लाई होता नहीं, आई माई सेल्फ हैव टू चेक दैट आउट। तो अगर आप मुझे ईमेल बाद में कर दें तो आई गेट बैक टू यू ऑन दैट। थैंक यू सो मच। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो 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 जी, फरमाएं। आवाज आ रही है? बिल्कुल आवाज़ आ रही है। आप टीवी पे मेरी आवाज़ ना सुने, आप फोन पे अपना सवाल पूछ लें और फिर टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। ओके सर, 6 मंथ फियांसी वीजे पे जी। आप किस पे हैं? वीजे पे मैं आया था, 6 मंथ का वो मुझे मिला। कौन सा वीजा? सॉरी, वो मैंने नहीं सुनाई दिया मुझे। सर, शादी मैंने इधर आगे की। अच्छा, तो आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है, तो मैं सेम डे पे गया था, तो उन्होंने फिर एक पेपर रह गया था, तो उन्होंने फिर मांगा था कि कह रहे थे कि ईमेल कर दें। तो सर वो पेपर तो मैं इनको ईमेल कर दूंगा 1-2 दिन के लिए। अब उन्होंने लेटर भेज दिया, वकील को ईमेल भेज दिया कि इनका इंटरव्यू होगा। तो सर आप बता सकते हैं कि इंटरव्यू में क्या कुछ पूछ सकते हैं? बड़ी मेहरबानी। देखें, नॉर्मली इंटरव्यू वो लेते हैं ये देखने के लिए कि जो आपकी रिलेशनशिप है वो सब्सिस्टिंग है और एक जेन्युइन रिलेशनशिप है। तो उसमें जो अगर आप एक सिनेरियो ले लें इंटरव्यू में, तो ज़्यादातर यही है कि आपके फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टेंसेस के बारे में पूछेंगे। तो ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि सारे सवाल लिखें और आपको पहले ही कोई पकड़ा दे कि जी वो ये सवाल आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछेंगे। वो बड़ा डिपेंड करता है कि जो केस वर्कर आपका इंटरव्यू ले रहा है उसने कौन कौन से सवाल निकाल के ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो दैट वुड बी मेनली रेलिवेंट टू योर फाइनेंशियल एंड फैमिली सर्कमस्टेंसेस, जिसके ऊपर वो आपसे सवाल पूछेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरी शादी हुई है पाकिस्तान में और मेरे जो हस्बैंड हैं वो यहाँ आ चुके हैं, तो हम दोनों की ये सेकंड मैरिज है और उनकी पहली मैरिज से एक उनकी बेटी थी और उनके बेटा नहीं था, तो उन्होंने दोनों ने मिलके एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। अब वो 7 इयर्स का है, तो जब से उन दोनों की मैरिज ब्रेक हुई तो उनकी एक्स वाइफ ने उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया है और हम उसको यहाँ लाना चाहते हैं। तो अब पाकिस्तान के हिसाब से आपको पता है वहाँ तो इतना कोर्ट का वो इतना इशू नहीं होता, तो उस बच्चे के इन्होंने अपने नाम से ही नादरा में सब इंदराज कराया हुआ है कि ये उनका बेटा है, उसके नाम उन्हीं के नाम से पासपोर्ट है, उन्हीं के नाम से उसका बर्थ सर्टिफिकेट है। तो यहाँ लाने के मामले में उसके बच्चे के लिए क्या करना होगा? क्या वो आ सकेगा आसानी से? ऑलराइट, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। पहले मैं मसले का आसान हल बताता हूँ, फिर मोस्ट लाइकली होगा क्या। देखिए, अगर आप बोलते हैं कि जी मेरा बच्चा है और मैं उसको यहाँ लाना चाहता हूँ, तो दो चीज़ें होम ऑफिस वाले लाजमी आपसे पूछते हैं। पहली चीज़ पूछते हैं कि जी क्या वो आपका बच्चा है बायोलॉजिकली। अगर आप कहते हैं नहीं, तो वो कहते हैं कि क्या आपने अडॉप्शन प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया था इन योर कंट्री ऑफ ओरिजिन।
तो अगर आपने वैसे ही नाजरा में जाके बच्चे का नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया और कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं की तो होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रॉपर प्रोसेस चलता है जिसके बाद से एक बच्चा आप अडॉप्ट करते हैं, तो जिसको हम कहते हैं लीगल रिक्वायरमेंट। अब क्यों नादरा वालों ने आपका बच्चे को आपके नाम पे डाल दिया वो एक अलग इशू है, लेकिन दे वुड वांट टू नो कि अगर बायोलॉजिकली बच्चा आपका नहीं है तो आपने लीगल प्रोसेस को फॉलो किया था या नहीं। एंड सेकंड बात होती है कि डू यू हैव सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड, बिकॉज अगर सर्वाइविंग पेरेंट अभी भी पाकिस्तान में है तो यू हैव टू देन प्रूव कि यू हैव सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड। तो अभी जो आपने मुझे सिनेरियो बताया है इसमें मुझे जो मसला नज़र आ रहा है, आई डोंट थिंक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना मसला होगा, बिकॉज अगर वो खुद चाह रही हैं कि बच्चे का ख्याल नहीं रखना चाहती तो ज़रूर कोर्ट में जाके वो एक एफिडेविट भी दे देंगी जज के आगे कि जी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं बच्चे का कोई देखभाल करूँ। तो वो आई थिंक इन शॉर्टर इन्फॉर्मेशन वो मसला हल हो जाएगा। आई थिंक जो मसला है वो पहला जिसका आपने थोड़ा सा जिक्र किया कि जी नादरा में गए और बच्चे का अपना वो कर लिया, नो इस तरह नहीं होता, बिकॉज अगर बच्चा आपका बायोलॉजिकल नहीं है तो आपको प्रॉपर कोर्ट प्रोसीडिंग के थ्रू अडॉप्शन करवानी पड़ती है बच्चे की। अब बात आती है कि जो थोड़ा मसले वाली बात है, बिकॉज आप थोड़ा सिनेरियो आगे ले आते हैं, से आप मियाँ बीवी इधर हैं और आप कहते हैं तारिक भाई हमने एक बच्चा अडॉप्ट करना है, हमने को बच्चा आइडेंटिफाई भी किया हुआ है पाकिस्तान में। पहले आपको ये करना पड़ेगा कि लोकल काउंसिल से जाके अपना अप्रूवल लेना पड़ेगा, जिसको हम एक तरह से सिंपल वर्ड्स में कहते हैं अपनी कॉम्पिटेंसी चेक करवानी पड़ेगी कि हाँ जी मुझे आप एक सर्टिफिकेट दे दें कि हम बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। वो जो लोकल काउंसिल का प्रोसेस है वो 5 से 6 महीने का होता है, जिसमें वो आपके घर आके आपके फैमिली फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस चेक करते हैं, आपके CRB चेक्स होती हैं, और उसके बाद वो आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ जी अब आप बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके आप लेके जाते हैं पाकिस्तान और वहाँ जज के आगे पेश करते हैं, प्रॉपर लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू आप बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। और उसके बाद जब लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू बच्चा अडॉप्ट हो गया, क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके पास है, तो वो फिर एक तरह से आपका बच्चा होता है, फिर थ्रू प्रॉपर चैनल आप उसका वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाला था प्रोसेस अगर आप आज की डेट में मेरे पास आते हैं। लेकिन आपने कहा कि वो बच्चा ऑलरेडी नादरा के रिकॉर्ड्स में इनका बेटा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पूछते हैं कि जी आपका बायोलॉजिकल बेटा है या नहीं, और अगर वो नहीं है तो दे एक्सपेक्ट कि आपके हस्बैंड के पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन अडॉप्शन की पाकिस्तान के अंदर। बिकॉज एक बात याद रखिए पाकिस्तान में वही सारे कानून है प्रीटी मच जो इधर हैं, बिकॉज यही लोग वहाँ कानून वो सारे छोड़ के आए थे, तो वो लोगों को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि नहीं जी वहाँ का कानून क्या है, सब कुछ वही है। अगर आप वहाँ फैमिली कोर्ट में जाएँ सारी तकरीबन प्रोसीडिंग्स वही होती हैं जो इधर भी होती हैं फैमिली कोर्ट में। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, लेकिन प्लीज़ किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जाएँ जो कि आराम से आपका केस पढ़ के आपको प्रॉपर एडवाइस दे, क्योंकि यहाँ इस शो का मकसद इन्फॉर्मेशन देना है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मुझे 15,000 पाउंड पेंशन के साथ बीएलए लॉन्च डालकर पेंशन स्टेट पेंशन डालकर मुझे 15,000 पाउंड मिल रहा जी। स्टेट पेंशन बीएलए लॉन्च कर डालकर 4,000 पाउंड मुझे बीएलए लॉन्च मिलता, डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस की आप बात कर रहे हैं जी। और मुझे कितनी कैश चाहिए बड़ी मेहरबानी आपकी। देखिए जी, पहली बात है कि आपको पता है कि जो वाइफ बुलाने के लिए नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो 18,600 है, बच्चा हो तो थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन कानून में थोड़ी एक्सेप्शन है कि अगर आप डिसेबिलिटी अलाउंस ले रहे हैं, आप सर्टन केयर अलाउंस ले रहे हैं, तो आपको 18,600 शो करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अगेंस्ट जो फॉर्मूला है उसको कहते हैं कि एडिक्वेट मेंटेनेंस। अब मुझे वो एग्जैक्ट फिगर अपना अभी दिमाग में याद नहीं है, लेकिन जो भी आपका पर्सनल अलाउंस बनता है गवर्नमेंट की तरफ से वो ऐड करके अपना रेंट ऐड करके जो फिगर बनता है वो आपको जो अलाउंसेस मिल रहे हैं अगर उस फिगर से ऊपर हैं तो बिल्कुल यू कैन एडिक्वेटली मेंटेन योर स्पाउस और आप उसको बुला सकते हैं। तो वो फॉर्मूला भी मेरे सर पे मेरे बिल्कुल सामने नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि अगर आपको अगर आपको डिसेबिलिटी अलाउंस केयर अलाउंस वगैरह मिल रहा है, देर इज़ अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी कि आप ऑलरेडी मीट करते हैं उस रिक्वायरमेंट को। लेकिन प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बोला है, वो जो फॉर्मूला है जो अप्लाई होता है एडिक्वेट मेंटेनेंस का, वो प्लीज़ आप कहीं से चेक करवा लें बिफोर यू मेक दी एप्लीकेशन। अब मुझे बताया जाता है कि ब्रेक का टाइम हुआ है। अगेन जिस तरह मैंने शो के शुरू में कहा, दो बातें, एक तो ये कि ईमेल आती है ब्रेक से पहले, अगर मैं किसी वजह से आपकी कॉल नहीं ले सकता आप इस ईमेल पे अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेज दें, आई विल गेट बैक टू यू। सेकंड बात, आई डू अपोलोजाइज क्योंकि आज शो हमारा बिजनेस एंड मनी मैटर्स एंड डिस्प्यूट्स के ऊपर था, लेकिन ऑफकोर्स इमिग्रेशन की कॉल आती है विच आई कैन अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा, बट ये याद रखें कि एक वीक हमने एलोकेट किया हुआ है बिजनेस एंड
मनी क्लेम्स या बिजनेस डिस्प्यूट्स के ऊपर, और एक हमने वीक एलोकेट किया हुआ है इमिग्रेशन के ऊपर। इनफैक्ट मेरे कॉलीग हैं आज मेरे साथ इधर आए हुए हैं और ही इज़ एन एक्सपर्ट इन फैमिली। मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि वो आके फैमिली भी शुरू करें, एंड इंशाल्लाह हम एक इन्फॉर्मेशन शो फैमिली पे भी अनकरीब शुरू करेंगे ऑन एवरी वेंसडे, अल्टरनेटिव वेंसडे और समथिंग। मैंने उनको कन्विंस कर लिया, आई थिंक रमज़ान के बाद वो थोड़ी हिम्मत करेंगे, बट इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक।